2014 के चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी देश में वोट मांगती थी तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी है, जब देश में आम चुनाव चल रहे हैं, लगभग आधी सीटों पे चुनाव हो गए हैं, आधी सीटों पे चुनाव होने हैं, एक आकलन किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 10 साल रही, इन 10 सालों के अंदर मोटा मोटा महंगाई पर क्या असर हुआ। एक आंकड़ा आपको बता दूं कि फिलहाल मार्च 2024 का जो खाद्य की महंगाई है, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई है, वो करीब 8.5% थी और भारत भुखमरी के इंडेक्स पे, एक पूरे दुनिया के करीब 125 देश हैं जिनकी अंदर कहाँ कितनी भुखमरी है उसका इंडेक्स होता है, हंगर इंडेक्स, उसमें 2014 में भारत 125 देशों में 99 नंबर पे आता था और अब 2023 में भारत 12 पोजीशन नीचे गिर गया है, अब हम 111वें नंबर पे आते हैं 125 देशों में, यानी कि हालत बद से बदतर हो गई है। 2011-12 और 2022-23 10 साल का जो कंपैरिजन किया जाता है महंगाई का, अर्बन और रूरल क्षेत्रों में लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी और खर्चे कितने बढ़े, इससे देखा जा सकता है कि महंगाई का क्या आंकड़ा हुआ। क्योंकि कई देश हैं जहां पे महंगाई बढ़ती है मगर लोगों की आमदनी भी बढ़ती है तो लोगों में भुखमरी नहीं आती। 2011-12 के अंदर ग्रामीण इलाके में एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर रूरल होता था 1430 रुपये, जो 2022-23 में 10 साल में बढ़ के हो गया है 3773 रुपये, यानी कि करीब करीब 2.64 गुना ज्यादा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर अर्बन सेंटर्स के अंदर, शहरी इलाकों के अंदर जो खर्चा बढ़ा है वो बढ़ा है 2630 रुपए से बढ़ के 6459 रुपए, यानी कि इसके अंदर भी 2.45 गुना का इजाफा हुआ है, ये खर्चों में इजाफा हुआ है, लगभग 2.5 गुना, लगभग 2.6 गुना, 2.4 गुना, ठीक है। अब जो कमाई है, जो पर कैपिटा इनकम है अर्बन और रूरल की मिला के, वो कितनी बड़ी है, वो बड़ी है 5050 से बढ़कर वो हुई है 8197 रुपये, यानी कि मात्र 1.6 टाइम्स, यानी कि जो आपकी कमाई है अर्बन और रूरल सेंटर्स के अंदर, जो आमदनी है वो सिर्फ 1.6 टाइम्स बढ़ी है, 1.6 गुना बढ़ी है, मगर जो खर्चे हैं वो करीब 2.5 गुना बढ़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है जब आपके खर्चे बढ़ गए और ये आंकड़े हैं और आपकी आमदनी नहीं बढ़ी तो लोगों में भुखमरी फैलेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने देश के अंदर इतनी महंगाई बढ़ा दी कि लोग भूखे मर रहे हैं इस देश के अंदर, इसलिए आपको 5 किलो अनाज सबको देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने रोजगार खत्म कर दिए, काम धंधे खत्म कर दिए, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, बिजनेस खत्म कर दिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म कर दिए, नोटबंदी से और फिर जीएसटी से आपके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, इस कारण महंगाई बढ़ गई।